हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रियल ऑफिशियल। उनके दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप बैंक अकाउंट अपने एडसेंस में ऐड कर सकते हो और कौन सी बैंक आपको ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो सारी डिटेल में बताऊंगा और कुछ यहां पे ड्रॉबैक्स है, कुछ यहां पे प्रॉब्लम्स भी होती है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस करके बता दूंगा ताकि आपको पेमेंट में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सीधा यहाँ पे इंटरफेस पे चलते हैं एडसेंस के। और जैसे जैसे मैं करूँगा दोस्तों, आपको भी एज इट इज वैसे ही करना। मोबाइल यूजर क्या करें, ब्राउजर में ओपन कर लें अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ब्राउजर आपको ओपन कर लेनी है। ठीक है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखना मिलेगा, जब आप एडसेंस खोलोगे, जब आप लॉग इन कर लोगे अपने एडसेंस अकाउंट, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ऊपर में देखो, लेफ्ट साइड में आपको सारा चीज लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ऑप्शन है एडसेंस फॉर यूट्यूब। यहाँ पे देखेंगे कि 164 यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है, बट अभी तक मुझे पे आउट नहीं मिले क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं किया दोस्तों। और एक मैं चीज़ें दिखा दूँ और वो है पेमेंट सेक्शन में वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन भी हमारा हो चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है, एड्रेस वेरिफिकेशन, ये दोनों वेरिफिकेशन हमारा डन हो गया है। तो ये जब दोनों डन हो जाती है दोस्तों, आपको मालूम है इसके बाद हमें ऑप्शन मिलती है बैंक अकाउंट ऐड करने का, जिसमें मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, और पैसे आपको मालूम है 21st ऑफ एवरी मंथ हमें ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जानी है यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, पेमेंट वाले सेक्शन में पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको टैप करनी है। देखिए दोस्तों, जब आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन में टैप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई अर्निंग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉप में, वहाँ पे पेमेंट अकाउंट एडसेंस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यूट्यूब सेक्शन में करना है क्योंकि हमारी अर्निंग यूट्यूब से हो रही है। तो यहाँ पे हम यूट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूट्यूब इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टू रिसीव पे आउट प्लीज चूज ए वैलिड मेथड पेमेंट मेथड। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना पुट करें। तो यहाँ पे हमारा पैसा भी है, अब डिटेल देना पड़ेगा अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल में क्या करना होगा, ऐड पेमेंट मेथड में यहाँ पे आप टैप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी आईडी, नेम ऑफ द बैंक विद समथिंग समथिंग, ये सारे डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके पास ये एरर मैसेज भी अगर दिख रही है क्वेश्चन मार्क वाली, तो यहाँ पे भी अपडेट वाली में टैप कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन, अगर आपके पास आती है तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे हमें टैप कर लेने। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, दैट इज ऑप्शनल, तो उसको जरूरी नहीं आप भरें, तो उसको नहीं भरना है। तो ये है नेम ऑन दी बैंक, मतलब आपका नेम क्या है बैंक में, तो और बैंक नेम, तो यहाँ पे आपका नेम लिखना है, जो आपका नेम है तो वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बैंक का नेम बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आईएफएससी कोड। दोस्तों आईएफएससी कोड आपको मालूम है आपके पासबुक में रहता है, आप पासबुक से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईएफएससी कोड डालूंगा, आईएफएससी कोड मैंने यहाँ पे पुट किया। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है स्विफ्ट बीआईसी, स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पे पुट करनी है। इसको आपको क्या करना होगा, आपको बैंक में जाके इसको पूछना पड़ेगा कि स्विफ्ट कोड क्या है इस बैंक का, आपके बैंक का, और एल्स आपको क्या करनी है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्रांच का अगर चेक करेंगे तो हेड ब्रांच का वहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगी, तो इसको भी यहाँ पे पुट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे है, ये स्विफ्ट कोड मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट नंबर है, उसको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अब इसको क्या करना है, रिटाइप करना, फिर से उसको क्या करना है, अगेन आपको टाइप करनी है बैंक अकाउंट नंबर। ओके, यहाँ पे डन हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे है सेट एज ए प्राइमरी पे आउट मेथड, और आप इसको सेकेंडरी भी बना सकते हैं, मतलब आप चाहे तो दो तीन अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको पेमेंट इस अकाउंट में चाहिए तो यहाँ पे आप सेट एज ए प्राइमरी पेमेंट मेथड कर दे, यहाँ पे सेव कर देना आप, सेव करने बाद यहाँ पे दिख रहा है वायर ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट 1570 लास्ट कोड है, ये अकाउंट नंबर का लास्ट कोड आपको दिख रहे है। उसके बाद एड पेमेंट मेथड, और यहाँ पे चाहे तो आप दो तीन बैंक भी ऐड कर सकते हैं ऐड पे क्लिक करके। इसमें आपको कौन सा बैंक ऐड करना है वो भी ध्यान रखना है, कि अगर आपका प्राइवेट बैंक है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप नेशनल बैंक, अगर जैसे कि SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और जो नेशनल बैंक है अकाउंट नहीं है तो आप नेशनल बैंक को डाल दें, अदरवाइज आप प्राइवेट बैंक को डालें, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ICICI और HDFC बैंक हो गए, और बहुत सारी बैंक है, आप उसको एक्सिस बैंक हो गए, ये सब आप ज़्यादातर प्रीफर करें, ये ऐसे सारे बैंक अकाउंट का डिटेल डालने का, और एल्स आप वहाँ पे अकाउंट खुलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड कौन सा बैंक आपको नहीं करना है, एकदम हरगिज नहीं करना है, वो है ग्रामीण नेशनल बैंक, और अभी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि मर्ज हुई है, तो वैसे बैंक अकाउंट को ना डालें क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा पे आउट के टाइम पे। तो बेहतर होगा कि आप प्राइवेट बैंक में, जो मैंने लिस्ट बताया 4-5 नेम, आप वो सब बैंक ओपन करें, और एल्स आप नेशनल बैंक है उसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं करना है वो ग्रामीण बैंक एंड मर्ज वाली बैंक को नहीं करना है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ में आ गई होगी।
और कैसे ऐड करते हैं बैंक अकाउंट, ये भी आपको डिटेल में समझ में आ गई होगा। अगर कोई दूसरा क्वेरी तो आप कमेंट करके बता दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि और ऐसे रिलेटेड क्वेरीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।